हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और रिपब्लिक डे बहुत अच्छे से अपना सेलिब्रेट कर रहे होंगे। देश की जो एक इतना महान त्यौहार है हमारे लिए, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ एज ए एस्पिरेंट हमारा जो फर्ज है, वो सबसे बड़ा फर्ज देश के लिए हमारा ये है कि हम अपने काम को बहुत अच्छे से करें। और हमारा काम है आज के टाइम पे पढ़ाई करना, तो अपनी पढ़ाई आप लोग होपफुली अच्छे से कर रहे होंगे। सर्दी है तो सर्दी से बच के रहना है सब लोगों को। मुझे तो पर्सनली बहुत ठंड लगती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि अगर बीमार पड़ जाओगे तो 2-4 दिन का लॉस वैसे हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो आज हमारी जो है ये एसएससी सीपीओ के ऊपर होने वाली है। आप लोगों के 9, 10 और 13 जो आपकी मई है उसके ऊपर एग्जाम डेट है एसएससी सीपीओ की। फरवरी के अंदर आप लोगों का जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो आज से अगर मैं देखूं तो लगभग 100 दिन आप लोगों के पास में है। तो आज मैं आप लोगों को 100 डे का स्टडी प्लान देने वाली हूँ। एज ए आप बड़ी बहन मान सकते हो, एज ए मेंटर मान सकते हो। मैं अपनी तरफ से ये सोच रही हूँ कि मेरा कोई छोटा बहन भाई तैयारी कर रहा है, उसको मुझे बताना है कि उसको अगले 100 दिन में कैसे तैयारी करनी है कि वो भी दिल्ली पुलिस ही ले पाए या इतना अच्छा स्कोर कर पाए जो उसकी ड्रीम पोस्ट है वो मिल जाए। आप लोगों को मैं पूरा क्लियर कट एक एक चीज बताऊंगी, कौन सी चीज के ऊपर कितना टाइम देना है, कितने दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। बस आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के साथ में छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं कि हाँ मैंने ये बताया है कि 5 दिन में ये करना है, 6 दिन में ये करना है। तो उनकी छोटी छोटी चीजें आपने नोट्स बना लेने हैं। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ में अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे ऑलरेडी, जो मेरा फ्री स्टडी प्लान चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर। जिन लोगों ने अभी तक भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिलीजेंट एसेसियन या मोनिका पुनिया कुछ भी आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर उसके बाद भी मैं पिन कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल हमेशा ही, आप वहां से जाके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्लान चला रही हूँ आप लोगों के लिए, आप उसको ज्वाइन करके उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं आज आप लोगों को एक एक चीज क्लियर कर ही रही हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में जो होने चाहिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए वो होना है सिलेबस। कि आपको सिलेबस कंप्लीटली पता होना चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, वो आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास में सिलेबस नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिलेबस को क्या करना है, पर्टिकुलरली ऐसे लिख लेना। एक पेपर के ऊपर सारे इंग्लिश के टॉपिक लिख लिए, एक पेपर के ऊपर मैथ के टॉपिक लिख लिए, एक पे रीजनिंग के टॉपिक लिख लिए, सारी चीजें ऐसे लिख लेनी है। प्रॉपर आपने सिलेबस लिख लिया, सिलेबस पता भी हो गया। अब आपकी दूसरी जो चीज रहेगी वो होगी स्टडी प्लान। आपको बनाना है कि आप कितने घंटे कैसे क्या पढ़ने वाले हो, वो आपको कंप्लीट एक प्लान बनाना है। वो आपको 100 दिन का भी बनाना है और वो आप लोगों को पर डे का भी बनाना है। पर डे का स्टडी प्लान या तो आप सुबह जब जैसे ही अपने पढ़ने बैठते हो उस टाइम बना सकते हो, या पहले वाले दिन बना के रख सकते हो कि कल मुझे ये कंप्लीट करना है। तो ये आप लोगों का स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान कैसे बनाना है वो मैं एक एक चीज अभी आप लोगों को समझाऊंगी कि ये आपको करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो स्टडी प्लान है वो बन जाएगा। दो चीजें होगी, सिलेबस आपको पता लग गया, स्टडी प्लान आपने बना लिया। अब तीसरी चीज जो है वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी करनी क्यों है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको तैयारी करनी क्यों है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा करना है, आपको अपने माँ बाप को प्राउड करवाना है, आपको अपने कंधों के ऊपर 2 स्टार चाहिए हैं, क्यों चाहिए आपको, क्या चीजें हैं, जब ये क्लियरिटी हो जाएगी तो उसके बाद में आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है कि आप पढ़ाई के अंदर बहुत एवरेज स्टूडेंट हो ना, 50 नंबर भी आप लोग लेके आते हो तो भी आप लोग अपना जो पेपर है वो निकाल सकते हो। कब, जब आप एक कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, रेगुलर रूटीन के साथ में पढ़ते हो। अगर रूटीन के साथ में नहीं पढ़ोगे तो आपकी, चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट रहे हो, 90% आपने लिए हो, आपका पेपर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी आपने बना ली। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी, सबसे पहले 4 आप लोगों के पेपर मतलब सब्जेक्ट हैं। एक पेपर होगा आपका प्री और एक होगा मेंस। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश, प्री के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, तीनों सब्जेक्ट 50-50 के पूछे जाएंगे। 50-50 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि 50 नंबर प्री में और 200 नंबर मेंस में, 250 नंबर की इंग्लिश है। और बहुत ज्यादा जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं जो मुझे देखने वाले हैं, वो मेरे जैसे ही हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को टैकल करते हैं। इंग्लिश को टैकल करने का एक सिंपल सा मेथड है। देखो, ऑलमोस्ट 15 से 16 चैप्टर हैं पर चैप्टर, आप ये मान के चलो 3 दिन पर चैप्टर आपको लगे। 3 दिन में एक चैप्टर आपने किया, 45 से 50 दिन के अंदर आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से आप कर लेना 2 दिन पर डे लगा के, तो दूसरी आपकी रिवीजन हो जाएगी। 15 चैप्टर्स हैं, करने कहाँ से है, नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 वाली बुक है वहां से आप लोगों को रूल्स पढ़ लेने हैं और उनको याद कर लेना है। रूल्स पढ़ लेने से, याद हो जाने से काम नहीं बनेगा। इसका काम कब बनेगा, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, कोई भी ऐसी बुक ले लो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे रखा है। आज से लेके अभी तक जो पेपर हुए हैं उनसे लेके पीछे जब तक पेपर हुए थे तब तक का हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो टीसीएस वाले क्वेश्चन है वो हो।
2018 से लेके 2023 तक की। किरण ने भी अभी ये वाली बुक आपकी लॉन्च की है, इसके अंदर इन्होंने दिसंबर 2023 तक की जो चीजें हैं वो अपडेट कर दी हैं। तो अगर आप इस बुक को भी लेना चाहते हैं तो इनके जो लेटेस्ट बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। कोई पुराने वाली बुक मत खरीद लेना, लेटेस्ट एडिशन आप लोगों को लेना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो आपको वो नई वाली बुक जो है वो मिल जाएगी, उसके ऊपर आप खरीद सकते हो। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं वो उनके पास में कोई पीडीएफ वगैरह है वहां से अरेंज करके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली 3 दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है इंग्लिश का, उसके साथ साथ में डेली 50 क्वेश्चन कम से कम, या तो आप एरर के लगा सकते हो या इंप्रूवमेंट के लगा सकते हो या फिलर्स के लगा सकते हो। लगभग 1000 एरर, 1000 इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और 1000 फिलर्स, 3000 क्वेश्चन आप लोगों के हैं। और पर डे अगर आप 50 क्वेश्चन करोगे तो 60 दिन के अंदर आप लोगों का ये टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके बाद में आप डेली के 100 क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों का 30 दिन में दोबारा टारगेट अचीव हो जाएगा, मतलब एक बार आप पढ़ लोगे और दोबारा आप रिविजन कर लोगे। ऐसे आप लोगों को इसको करना है, डेली 50 क्वेश्चन एरर्स के आप लोगों को लगाने हैं, उसके बाद इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर लेना, उसके बाद फिलर स्टार्ट कर लेना, ये तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ईच सेक्शन से 30 वोकैब एटलीस्ट, 30 वोकैबलरी अगर आप करोगे तो लगभग आप ये मान के चलो 1000 वोकैबलरी आपको पढ़नी है। ये भी आप प्रीवियस ईयर वाली जो बुक है आपकी उससे पढ़ सकते हो, अगर आप ब्लैक बुक से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ सकते हो। जिनको वोकैबलरी याद नहीं होती वो रूट वर्ड की हेल्प से पढ़ सकते हैं, जो नियॉन पब्लिकेशन वाली वर्ड पावर बुक आती है। काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कैसी ये बुक, बुक अच्छी है, आप ले सकते हो डेफिनेटली उसको, तो उससे आप अपनी जो वोकैबलरी है वो कर सकते हो। 30 आपको सिनोनियम्स, 30 आपको वन वर्ड और 30 इडियम, अगर हो सके तो 30 स्पेलिंग्स आप लोग डेली कर लेना। अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो वो 40-50 तक भी कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको कोशिश करनी है कि आप 1 या 2 पैसेज बना लो। जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है वो नियॉन की पैसेज और क्लोज टेस्ट की दोनों की बुक आती है, आप वो ले सकते हो, उनके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और काफी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा उससे भी। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके टेस्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है, और टेस्ट बुक के ऊपर आज एक बहुत बड़ी सेल चल रही है, मैंने शॉर्ट्स में भी आपको अपडेट दी थी। 269 के अंदर आप लोगों को 1 साल का पास प्रो मिल रहा है, और ये लोएस्ट प्राइस है। ये 15 अगस्त पे हुआ था, उसके बाद 1 जनवरी को हुआ था और अब हो रहा है, उसके बाद आई डोंट थिंक सो आगे काफी दिन आपको ये देखने को मिलेगा, काफी दिन बाद आपको ये देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों के पास में 1-2 महीने का अगर बचा हुआ है ना तो वो भी ले लो अपना पास प्रो, क्या होगा उससे आप लोगों का एड ऑन हो जाएगा वो टेस्ट बुक का पास प्रो, आप ले लेना। DSSC कूपन कोड लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, हमेशा ही पता आपको इस बारे में। तो अभी जो अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश को आपने बहुत, ये अगर जी 3 स्टेप मैंने बताया, अगर इनको फॉलो कर लोगे तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को रीजनिंग, रीजनिंग को टैकल करने का एक सिंपल सा तरीका है, डेली 50 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, वो भी सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोगों को लगा लेना है, एक या तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोगों को लगा लेना है या फिर 50 क्वेश्चन आप किसी प्रीवियस ईयर की बुक से कर लेना। जैसे इंग्लिश की आती है किरण की बुक, वैसे ही रीजनिंग की भी आप लोगों की प्रीवियस ईयर की बुक आती है किरण की। ये वाली जो बुक है ये भी अभी 2023 तक की, दिसंबर 2023, 1 महीने पहले तक की आपकी कंप्लीट अपडेटेड है। तो ये वाली बुक लेके इसमें से आपको 5 से 7 चैप्टर्स तो इस बुक में से करने ही करने हैं। जैसे आपका नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, आपका एनालॉजी हो गया, आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग कर लेना उसमें से। तो जो जो टॉपिक में आपको दिक्कत आती है वो इस बुक से करने होंगे आपको। बाकी आप लोग टेस्ट बुक के ऊपर जो सेक्शनल मॉक टेस्ट वाला सेक्शन है ना, प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक टेस्ट, वहां से आप लोग उसको लगाते रहना, ठीक है। डेली 1 या 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट निकाल लिया और उसके साथ में आप लोगों ने थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लिए, इतने में रीजनिंग में आपका पूरा का पूरा स्कोर हो जाएगा। सीपीओ की रीजनिंग थोड़ी सी मुश्किल आती है तो तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी होगी, रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट लगाने होंगे। हाँ, मॉक टेस्ट में आप लोगों को टेस्ट बुक से ही कोशिश करनी है, कि आप रेगुलरली ना लगा पाओ तो कोशिश करना है कि 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट लगा लो, मतलब जब तक आपका एग्जाम हो लगभग आपके 45 मॉक टेस्ट लग चुके हो। वो सीपीओ के पहले प्रीवियस ईयर कवर कर सकते हो, फिर सीजीएल के प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो, साथ में सीपीओ के जो फुल मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं अपना मैथ सेक्शन की। मैथ में लगभग 20 टॉपिक हैं आपके, 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर्स में अगर आप डेली 1 चैप्टर के ऊपर 4 दिन लगाते हो, इसमें से मान लो जैसे ज्योमेट्री वगैरह थोड़ा लंबा है तो कुछ चैप्टर छोटे भी हैं जिनके ऊपर कम दिन लगेंगे, 4 दिन पर चैप्टर लगा के चलते हो तो आपके 80 दिन के अंदर हो जाएंगे और लास्ट के 20 दिन के अंदर आप रिविजन कर लेना। जिनका मैथ्स बहुत वीक है वो कुछ टॉपिक्स को छोड़ देना जिनमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जिन मेजर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उनको टैकल कर लेना। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। जब तक मैथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, चाहे तुम कितने ही धुरंधर टीचर से पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैथ और इवन हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज है कि SSC बराबर में लिख लो इसके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक SSC के अंदर नहीं लगाओगे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक से लगा लो, टेक्स्ट बुक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई फ्री PDF ले लो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से लगा लो, कहीं से लगा लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। अगर चैप्टर वाइज मैं तो रिकमेंड करूंगी मैथ्स के लिए आप चैप्टर वाइज वाली बुक लो। चैप्टर वाइज वाली बुक में TCS के 2018 से लेके 2023 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे लगा लो। किरण पब्लिकेशन की इनकी जो चैप्टर वाइज वाली बुक आती है मैथ्स की भी आती है, ये चारों सब्जेक्ट की आती है, चाहते हो तो कॉम्बो ही मंगा लो, अदरवाइज जो आपको ज्यादा यूजफुल लग रही है वो मंगवा लो।
मैथ्स की और इंग्लिश की तो जरूर से मंगाना, बाकी दो चाहे ना मंगाओ। मैथ्स में क्या करना होगा, डेली आपको हर चैप्टर के, जैसे आज आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो उसके 50 क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कर लिए, आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, और साथ में 1 से 2 घंटे की कोई क्लास या कॉन्सेप्ट की जो आपकी कॉपी है वो करनी होगी, ठीक है। इतना आप लोगों को मैथ्स में करना होगा, उसके ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका दिल्ली पुलिस इतना जुगाड़ हो जाएगा आराम से। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट बच जाता है जीएस। अगर आपको टॉप स्कोर करना होता है तो जीएस के अंदर भी स्कोर करना पड़ता है। आप लोगों के पास में 100 दिन है और मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर भी 70 से 80 टॉपिक्स हैं, तो वो लिस्ट जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रही हूँ, वहां से उठा लो और डेली उस लिस्ट में से एक टॉपिक करना स्टार्ट कर दो। हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री का उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा, एक टॉपिक पढ़ लो बस, एक टॉपिक पढ़ लिया और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जो प्रीवियस ईयर बुक कंपाइलेशन आता है, किरण का आप पहले ही मैं बता चुकी हूँ चारों का आता है, तो ये वाली जो बुक है इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल्ड है। वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आज मैंने आपको बताया, जैसे आज मैंने मुगल बताया, तो मुगल आपने पहले जो आपकी बुक है लूसेंट से पढ़ रहे हो, या फिर किरण की एक ये वन लाइनर वाली बुक है, ये भी काफी ट्रेंड में है आजकल, बहुत बच्चे यूज कर रहे हैं। मैं जिस टाइम पढ़ती थी उस टाइम पे भी मैंने कुछ टाइम के लिए इसको यूज किया था, एनसीईआरटी बेस्ड है, काफी अच्छी बुक है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। इनमें से जो भी बुक, अरिहंत, मनोवा, पांडे, किरण, जो भी बुक है आपको, उसमें से पहले आपने उसकी थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, इतना काम हो गया। डेली बस एक ही टॉपिक तो करना है, आप लोगों को कुछ नहीं सोचना उससे अलग, जितने टॉपिक मैंने दे रखे हैं बस उतने टॉपिक आप लोगों को करने हैं। उससे अलग उसने एक स्टैटिक जीके के भी टॉपिक की लिस्ट बना रखी है। स्टैटिक जीके के एक टॉपिक के ऊपर आपको 2 दिन लगाने हैं, लगभग 20 टॉपिक हैं, तो आपके 40 से 45, मैक्सिमम 50 दिन मान लो, 50 दिन में आपकी स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद डेली एक टॉपिक करना और लास्ट में रिवीजन भी हो जाएगी, 2 बार आप डेली जो टॉपिक है वो कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है, एक नियॉन क्लासेस की गॉडफादर के नाम से बुक है, वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर फ्री बुक उसकी पीडीएफ जो है वो अपलोड कर रखी है, आप वो बुक लेना चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अदरवाइज वहां से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर कोई और पीडीएफ आप लोगों के पास में है तो उस पीडीएफ से आप लोग उसको पढ़ लेना। उस पीडीएफ में से आप लोगों को डेली एक टॉपिक लगा लेना है, और मतलब जैसे अगर किसी टॉपिक के लिए 2 दिन डिसाइड किए तो आधा आज पढ़ लिया आधा कल पढ़ लिया, और उसके साथ सेम जो अभी मैंने बुक बताई थी थ्योरी वाले सेक्शन के लिए आपको किरण की ये वाली बुक, इसी में से आप लोगों को डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने, ठीक है। करंट अफेयर्स आप लोगों को मार्च में पढ़नी, मार्च के मिड में पढ़नी स्टार्ट करनी होगी, मार्च के मिड से आपको फिर जो मई है मई तक आप लोगों को करंट अफेयर्स मैं कंटिन्यूअसली डेली करवा दूंगी। करंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या करना होगा, करंट अफेयर्स में आपको लास्ट 6 मंथ के बहुत अच्छे से, और कोशिश करना कि लास्ट 1 साल की करंट अफेयर्स आप लोग कर लो। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो एक पेड स्टडी प्लान बनाने के लिए भी हम प्लान करेंगे कि आप लोगों के लिए ला सकें, और पेड स्टडी प्लान में आप लोगों की अपनी जो तैयारी है वो करवा सकें, लेकिन इतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं हो पाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों का एडमिशन ले पाऊँ, 100 से 150 बच्चों का एडमिशन मैं ले पाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, 90 डेज का या 100 डेज का कुछ ऐसे करके उसको प्लान कर सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला ही होता है, आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो। जो कुछ भी आप लोगों को डाउट रह गया है वो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, कहीं से भी। बस अगर इतनी चीजें आपने फॉलो कर लेना तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि दिल्ली पुलिस बहुत आराम से आप लोग ले सकते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मैं इतना कुछ अचीव कर लूंगा। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आप अचीव कर लोगे, अगर आपका जो लेवल है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है तो आप एक पोस्ट जरूर सिक्योर कर सकते हो कि सीआरपीएफ वगैरह आपको लोगों को मिल जाए, या फिर जो सबसे लास्ट जिसकी कट ऑफ गई है वो आप लोगों को मिल जाए। दिल्ली पुलिस के लिए कंपटीशन भी ठीक ठाक होता है और चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल छोटी के साथ नहीं बोल सकती कि सिर्फ आज से ही आपने तैयारी स्टार्ट की तो आपको दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को कोशिश जरूर करनी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी है। उससे अलग जो कुछ भी दिक्कतें आपको आती हैं वो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आप लोगों के साथ में हमेशा ही रहती हूँ। और जो ये मेरे कंधे पे 2 स्टारों की चमक आप लोगों को दिख रही होती है, इसके लिए मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत आप लोग करने के लिए तैयार हो तो रास्ता दिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए रेडी हूँ। दिल्ली पुलिस में अभी इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं अपने डेली फ्री स्टडी प्लान से, पेड स्टडी प्लान से, और अपना जो यूट्यूब की वीडियो से, तो ये सीपीओ के अंदर भी हो सकता है, पिछले साल भी हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, इस साल भी होगा। तो बस आप लोग विश्वास करके अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।